काना के पोटेंशियल को सबके सामने लाने में अक्वा सक्सेसफुल होता है, लेकिन इसी के साथ अक्वा के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। ये इंसिडेंट अक्वा के लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि ये डेफिनेटली उसे बहुत बड़े स्केल पर इम्पैक्ट करेगा। प्ले के फाइनल एक्ट में हिमेकावा कुछ नई चीज़ें ऐड करता है और काना को ऑन द स्पॉट एक्ट करने को कहता है। काना इतनी कैपेबल तो होती ही है कि ऐसी सिचुएशन संभाल पाए। काना के इम्प्रोवाइजेशन को नोटिस करते ही अक्वा भी उसका साथ देता है, जैसे कि ये नेचुरली स्क्रिप्ट में ही इंक्लूडेड हो। काना अपने आप को इसीलिए बैकग्राउंड में ढकेल रही थी ताकि वो अपनी एक्टिंग से दूसरों का ऑन स्क्रीन प्रेजेंस खराब ना कर दे। ऑब्वियसली अक्वा को काना के बिहेवियर के बारे में पूरी तरह से पता होता है। अक्वा उसे हिंट देता है कि सिर्फ वो अकेली नहीं है जो स्टेज प्ले के पेसिंग को संभाल कर रख सकती है, अक्वा में भी वो कैपेबिलिटी होती है। अक्वा बचपन से गोटांडा भाई साहब के साथ मिलकर अनगिनत प्रोजेक्ट्स को स्टडी कर चुका होता है, इसीलिए उसके पास अनवांटेड सिचुएशंस को हैंडल करने का स्किल होता है। अकाने इतना पहले से फोर्स कर रही होती है और जब अक्वा काना को एक फाइनल पुश देता है तो वो अपने पिंजरे को तोड़कर एक लंबी उड़ान लेती है और एक माइंड बेंडिंग परफॉर्मेंस दिखाती है। काना के परफॉर्मेंस पर बात करने से पहले हम उसके इस ड्रास्टिक चेंज के रीज़न को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक चाइल्ड एक्टर को काम मिलना काफ़ी कठिन होता है, इसीलिए बचपन में काना की माताजी इंडस्ट्री के लोगों के साथ कनेक्शंस बनाती रहती थी ताकि काना को इजीली जॉब रोल्स मिल जाएं। काना को बिना स्ट्रगल के काम मिलने की वजह से वो बहुत नकचड़ी हो गई थी, मगर उसे ये रियलाइज़ नहीं हुआ था कि वो कोई बड़ी स्टार नहीं है जिसके नखरे सब सह लेंगे। इसी वजह से उसे जॉब मिलने में दिक्कत होने लगी और उसकी माताजी अपनी बेटी की पॉपुलैरिटी से ऑब्सेस्ड थी, इसीलिए काना को काम दिलाने के लिए वो लोगों के पर्सनल बाउंड्रीज को बिना रिस्पेक्ट किए ही उनसे मदद लेने की कोशिश कर रही थी। इवेंचुअली काना को रियलाइज़ होता है कि वो एक अजीब सिचुएशन में फंस गई है, मगर गोटांडा भाई साहब ने उसे एक बार कहा होता है कि इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए उसे दूसरों के साथ कोऑपरेट करना सीखना पड़ेगा। ये होता है वो टर्निंग पॉइंट जिसके बाद काना आंख बंद करके इंडस्ट्री में अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रही होती है। अक्वा के लंबे इन्फ्लुएंस और इस छोटे से पुश के बाद काना की एक्टिंग में इतना बड़ा चेंज दिखाई देता है कि आर्ट स्टाइल को भी बदल दिया जाता है सिर्फ इसीलिए कि काना सबसे तेज चमक पाए। काना की चमक इतनी ज़्यादा होती है कि ऑडियंस में सबकी बोलती बंद हो जाती है और साथ ही साथ अकाने भी काना पर क्रश करने लगती है। काना का ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस अक्वा को भी मदद करता है उसके अंदर के डीमन को बाहर निकालने के लिए। प्ले में जब अकाने के कैरेक्टर की डेथ होती है तब अक्वा एक अलग ही स्टाइल में एक्ट करने लगता है। आई की मौत के बाद अक्वा को गिल्ट था कि वो आई के साथ रहकर भी बेबस था। इसी गिल्ट के कारण अक्वा को इमोशनल एक्टिंग में दिक्कत हो रही थी। गोटंडा को जब ये सब रियलाइज होता है तो वो अक्वा से कहता है कि उसे आई और उसके रिलेशनशिप का पूरा ज्ञान होता है। गोटंडा को ये सब पता होना एक्चुअली उतना सरप्राइजिंग नहीं था, वो एक अकेला आदमी था जिससे अक्वा बचपन से जुड़ा हुआ था। गोटंडा के सजेशन को मानकर अक्वा अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करते हुए एक्ट करता है। वो अपने गिल्ट से छुटकारा पाने के लिए नहीं बल्कि उस गिल्ट से जो आग पैदा होती है उस आग में जलते रहने के लिए एक्ट करता है, ताकि उसे दर्द होता रहे और वो कभी ना भूल पाए कि वो बदले की तलाश कर रहा है। काना के क्यूटनेस के बाद अक्वा का ये हॉरिफाइंग परफॉर्मेंस देखकर एक्चुअली काफ़ी अजीब सा लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा थीमेटिक शिफ्ट कैसे हो गया। सडन सरप्राइजेस कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इस एपिसोड में एक्चुअली में ओवरऑल स्टोरी की डेप्थ ही बदल जाती है। अगर अक्वा इस नए स्टाइल में एक्ट करता रहेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसकी पर्सनैलिटी में इस तरह के चेंजेस आएंगे कि किसी ने उम्मीद तक नहीं की होगी। इसके बाद अगर धीरे धीरे करके अक्वा का डार्क साइड देखने मिलता है तब तो मामला पूरी तरह से सेट है, क्योंकि एक रिवेंज स्टोरी में डार्क कैरेक्टर ना हो तो उतना मज़ा नहीं आता। अगले एपिसोड में प्रोबेबली स्टेज प्ले ख़त्म हो जाएगा,
और मेरा गेस ये है कि सबसे बोन चिलिंग और मेमोरेबल परफॉर्मेंस एक्वा का ही रहेगा। एनीवेज आज के लिए बस इतना ही था, मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।